बिग बॉस 15 का हालिया एपिसोड बहुत लड़ाई झगड़ों से भरा रहा। शो में कई कंटेस्टेंट के बीच घमासान युद्ध भी देखने को मिला। वहीं इसी को लेकर एक्ट्रेस गौहर खान सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बयान दे चुकी है। बता दें कि गौहर ने अपने ट्वीट में करण कुंद्रा को उनके व्यवहार के लिए लताड़ लगाई है। दरअसल करण ने टास्क के दौरान प्रतीक सहजपाल को गले से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और इस पर गौहर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि गौहर खान ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अभी हैरान हूँ, अब घर में कोई नियम नहीं है, जो लोग पहले से फेमस हैं उनके लिए नियम क्यों नहीं है, और जो नया आया है उसे सिर्फ एक धक्का देने पर घर से बाहर कर दिया जाता है। #BigBoss15 और वह तेजस्वी, वह आप लोगों ने तो बिग बॉस के घर को दंगल ही बना दिया है, क्योंकि ये सब दंगल में करते हैं, बिग बॉस के घर में नहीं। शायद आप भूल गए हैं कि आप लोग सेट पर हैं। गौहर यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा कि पानी फेंकने, कागज खींचने, माइक के साथ पूल में कूदने के लिए घर में किसी ने उमर पर हमला नहीं किया, लेकिन जब प्रतीक ने नियम तोड़ने की कोशिश की तो उन पर वार कर दिया। वाह, मैं हकीकत में करण को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कल रात के एपिसोड में उनका जो व्यवहार रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। गौहर के अलावा बिग बॉस 13 में नजर आने वाली शेफाली बग्गा ने भी ट्वीट कर लिखा व्हाट द हेल। जी हाँ, तो ये सारी बातें सामने आई जब करण कुंद्रा ने प्रतीक सहजपाल पर हमला किया। तो आप करण कुंद्रा के इस हरकत पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सर्वे की रिपोर्ट।